कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग सभी लोगों को हमारी तरफ से, और बहुत अच्छे से सारी चीज़ कर रहे होंगे। देखो गाइस, कोई भी बंदा अगर आपको फीडबैक दे रहा है ना अपना और अपने फेस के साथ में, तो आप लोग ये मत देखिए कि उनके बाल कितने अच्छे हैं कितने अच्छे नहीं हैं, एक बार उनकी कंडीशन को जानिए। देखिए, मैंने साइमा मैम से परमिशन नहीं लिया है कि मैं उनकी जो रियल लाइफ है या फिर उनकी जो रियल लाइफ में जो चीज़ें घट रही हैं वो चीज़ मैं आप लोग के सामने रखूँ या ना रखूँ, है ना। तो मैंने उनसे परमिशन नहीं ली है। मैं एक और मेरी मेम्बर हैं जिनका मैं फीडबैक आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो उनका नाम है दीपा, वो अपना खुद ही आपके बारे में अपने बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगी, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि किसी को भी आप झूठा मूठा मत बोले, है ना। और जितने प्यारे आप लोग हैं उतने ही प्यारे मेरे सारे मेंबर्स हैं, सारे सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर से ही मेरे मेंबर्स बने, है ना। तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि देखो, किसी इंसान को अगर हम खुश नहीं कर सकते ना, तो हम किसी इंसान को हर्ट भी नहीं कर सकते। अगर हमारे खुशी देने से उस इंसान के मुंह पे स्माइल आती है ना, तो आप उसको एक बार रुला सकते हो, बट अगर आप उसको खुशी नहीं दे सकते ना, तो आपको रुलाने का कोई हक नहीं होता, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा एक फीडबैक है नया दीपा मैम का, वो सुनते हैं। हाय, मेरा नाम दीपा पवार, मैं महाराष्ट्र जलगांव से हूँ। मुझे कुछ साल पहले, कम से कम दस साल पहले मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू हुआ था। मैंने माइग्रेन की ट्रीटमेंट करवाई थी। मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए पार्लर के, डॉक्टर के, पर मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने इवन डॉक्टर बत्रा की ट्रीटमेंट तक करवाई। मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज होते जा रहा था। मैंने बहुत सारे पहले भी यूट्यूबर्स वालों के वीडियोस देख के भी रेमेडीज यूज़ करी, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं था। 2 महीने पहले मैंने सीमा जी की वीडियोस देखे और उनकी मेंबरशिप ली, और मुझे पहले ही महीने में इफ़ेक्ट दिखाई दिया। मेरे बाल ठीक हो रहे हैं, मेरे बाल झड़ना बंद हो गए हैं, मुझे न्यू रीग्रोथ चालू हो गई है, और मैं बहुत खुश हूँ। अब तो मैं जो भी मुझे मिलता है उनको मैं सीमा जी की मेंबरशिप लेने के लिए ही बोलती हूँ। मुझे बहुत सारे से मेरी फ्रेंड्स भी बताती है हेयर प्रॉब्लम, तो मैं हर किसी को अभी इनकी रेमेडीज या इनकी मेंबरशिप लेने की सलाह देती हूँ। थैंक यू सीमा जी, मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस आपके वजह से फिर से आ गया है। सो गाइस, दीपा मैम ने आप लोग के साथ में अपना पूरा इंट्रो रक्षण दिया, और उसके बाद से अपनी सारी चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर करी, है ना। तो आप लोग इन सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखिए। और देखिए, आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊंगी, वो ये, आज आप लोग एक गांठ बांध लो, वो ये चीज़ कि देखो, करने से होता है। अगर आपने 10 दिन कोई चीज़ की, 20 दिन की, 1 महीना की, 3 महीना की, अगर मान लो आपने 6 महीने की, आपको कोई रिजल्ट नहीं है, आप अगर हार मान गए, तो आपका जो बाल है ना, वो कहेगा आपसे कि आप डर गए हो, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, वो बढ़ने का नाम ही नहीं लेगा, ठीक है। और अगर आपने हार नहीं मानी और आपने 1 साल तक उसको कर लिया, तो आपके जो बाल है ना, जितना आप चाहोगे उस हिसाब से चलेंगे। कहने का मतलब ये है, 1 महीना मत छोड़िए, 2 महीना मत छोड़िए, थक करके करते रहिए जब तक रिज़ल्ट नहीं मिलता है, है ना। करते रहिए, रिजल्ट्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ये मेरा आप लोग के साथ में एक नया नया एक्सपेरिमेंट है। मेरे चैनल पर कोई भी चीज़ आप लोग को कहीं भी किसी अदर चैनल से नहीं मिलेगी। मैं जो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती हूँ, वो चीज़ आप लोग सामने शेयर करती हूँ। आप लोग देखते होंगे, कोई फेनुग्रीक का कुछ बता रहा है, कोई मेथी दाने का कुछ बता रहा है, कोई गुआवा लिप्स का कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई प्याज का कुछ बता रहा है, कोई अदरक का कुछ बता रहा है। तो मेरे चैनल पर जो चीज़ें आती हैं ना, बिल्कुल हटकर होती हैं, बिल्कुल नई होती हैं, है ना। तो उन चीज़ों को आप लोग एक बार सीखिए। और जो दीपा मैम का ट्रीटमेंट है, मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, और जो साइमा मैम का ट्रीटमेंट है, वो उनके बाल इस तरीके से क्यों हैं, कैसे हैं, जब आपके घर में किसी देखो बोलना ही चाहिए मुझे ये बात, बाकी मैं साइमा मैम से एक बार परमिशन लूँगी, तब मैं आप लोग सामने शेयर करूँगी कि उनकी जो कंडीशन है वो क्या है, कैसे है। और अब उन्होंने मेरी मेंबरशिप ली है, उनको 1 मंथ हुआ है ओनली, उनके फ्रंट से सारे बाल जा चुके थे और अब आना स्टार्ट हुए हैं। उनके घर में क्या चीज़ें हुई हैं वो आपको नहीं पता है, वो उनको पता है और वो हमें पता है, ठीक है ना। तो चलिए, आज की जो हमारी
एक बहुत ही प्यारा सा आप लोग के साथ में जो मैंने फीडबैक शेयर किया है, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा, है ना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।